होम साइंस कॉलेज में छात्राओं ने एनएसयूआई छात्र संगठन के साथ मिलकर कॉलेज में जमकर हंगामा कर दिया। छात्राओं का कहना था कि पूर्व में 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव निकली थी, जिसकी जानकारी कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को नहीं दी एवं लगातार उन्हें प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज में बुलाया जा रहा था। जैसे ही यह जानकारी छात्राओं को मिली तो छात्राओं ने मिलकर कॉलेज परिसर में हंगामा करना शुरू कर दिया। छात्राओं की मांग थी कि उनके प्रैक्टिकल की डेट को आगे बढ़ाया जाए एवं कॉलेज परिसर में सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था कराई जाए। वहीं छात्राओं ने बताया कि वर्तमान में कॉलेज परिसर में सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था नहीं है। वहीं छात्र नेत्री देवकी पटेल का कहना है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो 4 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव आई थी उनको कॉलेज बुलाया जा रहा है और लगातार प्रैक्टिकल की क्लास लगाई जा रही है। अगर कॉलेज प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो हम कॉलेज बंद करवाएंगे और कॉलेज का घेराव करेंगे। आज हमें यहाँ पर कॉलेज में क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर की लड़की कोरोना पॉजिटिव पाई गई आज से 4 दिन पहले अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, यहाँ पर ना तो उन लोगों ने डिटेल लिखी कि वो पॉजिटिव है, बराबर इन लोग क्लास लगा रहे हैं और सारे के सारे बच्चों को खतरा है। कल से सेशनल स्टार्ट है, प्रैक्टिकल स्टार्ट है। हम चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाए प्रैक्टिकल, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा को देखा जाए। ना यहाँ पर सैनिटाइजर मशीन है, ना यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग रखी गई और सारे बच्चों की जानों के साथ खेला जा रहा है। प्रिंसिपल सर का कहना है कि उच्च शिक्षा का आदेश है और वो कह रहे हैं कि पल पल हर जगह चप्पे चप्पे पर सैनिटाइजर मशीन रखी गई है। ना तो यहाँ सैनिटाइजर मशीन है, ना कहीं थर्मल स्कैनिंग है, वो सिर्फ बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।